आरोप लग रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार की गलतियों की वजह से देश के अस्पतालों में वेंटिलेटर और बेड की किल्लत हो रही है। इसके साथ ही एक बार फिर प्रधानमंत्री केयर फंड सवालों के घेरे में आ गया है। कोरोना संक्रमण की पहली लहर के दौरान बनाए गए इस केयर फंड से बेड और वेंटिलेटर खरीदने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से फंड जारी किए गए थे, लेकिन एक साल बाद भी अस्पतालों में उन पैसों से बेड या वेंटिलेटर नहीं पहुंच सके हैं, और पहुंचे भी हैं तो उनमें कई खामियां हैं या स्टाफ की कमी से इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं। बीबीसी हिंदी ने प्रधानमंत्री द्वारा जारी फंड और उनसे कितने बेड वेंटिलेटर अस्पतालों में पहुंचे इसको लेकर पड़ताल की है, जिसमें ये खुलासा हुआ है। मसलन पिछले साल जून महीने में प्रधानमंत्री ने केयर फंड से 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की खरीद के लिए 2,000 करोड़ रुपए जारी किए थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि कई कंपनियों को टेंडर दिए गए थे और कंपनियों को इसके लिए भुगतान भी किया गया था। इसके बावजूद अस्पतालों में पूरे वेंटिलेटर नहीं पहुंच सके। समस्या ये भी है कि कई जगह अस्पतालों में वेंटिलेटर तो लगाए गए हैं, लेकिन डॉक्टरों को उनके इस्तेमाल की ट्रेनिंग नहीं दी गई। ये समस्या बिहार के कई अस्पतालों में देखी गई है। आसान भाषा में कहें तो कोरोना की पहली लहर का असर कुछ कम होने के बाद बड़े पैमाने पर वेंटिलेटर बनाने में ढील दी गई। पिछले साल अगस्त 2020 में एक आरटीआई के जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि आंध्र प्रदेश की कंपनी एएमटीजेड को पीएम केयर फंड से 13,500 वेंटिलेटर के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसी तरह गुजरात की एक निजी कंपनी सीएनसी को 5,000 वेंटिलेटर के ऑर्डर दिए गए थे और कंपनी को इसके लिए 121 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि दोनों ही कंपनियों की मशीनें क्लिनिकल ट्रायल में फेल हो गई। नोएडा की भी एक कंपनी एजीवीए को 10,000 वेंटिलेटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इस कंपनी के वेंटिलेटर भी क्लिनिकल ट्रायल में फेल हो गए, जबकि इसके बावजूद अस्पतालों में इन मशीनों का इस्तेमाल जारी रहा। बाद में कंपनी के सीईओ ने ये बयान दिया था कि ऑर्डर में 5,000 वेंटिलेटर के सप्लाई किए गए हैं, जबकि 5,000 वेंटिलेटर अब भी कंपनी के गोदाम में पड़े हैं। कमोबेश यही हाल अन्य टेंडर या ऑर्डर का भी है। कई अन्य कंपनियां हैं जिन्हें केंद्र ने वेंटिलेटर बनाने के ऑर्डर दिए, लेकिन या तो वेंटिलेटर क्लिनिकल ट्रायल में फेल रहे या ऑर्डर का सप्लाई ही पूरा नहीं हुआ। परेशानी सिर्फ वेंटिलेटर की कमी की नहीं है, बल्कि मौजूदा वेंटिलेटर्स को इस्तेमाल में ना लाए जाने की भी है। बताया जा रहा है कि बिहार के कई सरकारी अस्पतालों में लगाए गए वेंटिलेटर चालू नहीं हो पाए हैं। कहीं स्टाफ की कमी बताई जा रही है तो कहीं संसाधनों की कमी का हवाला दिया जा रहा है। बिहार के गया के एक अस्पताल को 30 वेंटिलेटर मिले, लेकिन स्टाफ की कमी से वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के एक अन्य अस्पताल में 500 से ज्यादा वेंटिलेटर दिए गए, लेकिन ज्यादातर मशीनें आज भी बंद हैं, जबकि संक्रमित मरीज इसकी वजह से दम तोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।